Good morning, everyone. Continuing with our last lecture, lender sector. Lender sector में वो persons involved होते हैं या वो institutions involved होते हैं जो supply करते हैं funds के. इस sector में आपके individuals and institutions जो provide करवा रहे हैं long term loan को debt market में, जो invest करना चाहते हैं वो include होते हैं. इसमें mainly कौन कौन include होता है? RBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, म्यूचुअल फंड्स, लीज कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, जो पार्टीज हैं वो सप्लाई कर सकती हैं फंड्स. देन बोरोअर सेक्टर की बात करें तो बोरोअर सेक्टर वो होता है जो डिमांड करता है फंड्स, और फंड्स डिमांड जो करते हैं वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं. और कौन कौन फंड्स डिमांड कर सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर भी डिमांड कर सकता है और कॉर्पोरेट सेक्टर भी डिमांड कर सकता है. जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज आ जाती हैं, वो इंक्लूडेड होती हैं. जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसे अपने डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है, एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है. तो उसकी कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए जो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो डेप्ट मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं. जैसे रेलवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के, वो बोरो करते हैं फंड्स कैपिटल मार्केट से. नेक्स्ट, कॉरपोरेट सेक्टर भी बोरो करता है, जिसमें बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर्स डिमांड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स. ये मोबिलाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म के फंड्स किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं? डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं डेवलपमेंटल बैंक से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से, टर्म डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स को, जनरल पब्लिक से, और इस तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट फंड्स को कलेक्ट कर सकता है. और जो यूजुअली इंटरेस्ट रेट होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज पे वो ज़्यादा होता है, हायर होता है देन इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिलता है. देन तीसरा जो सेक्टर आता है इसमें, दैट इज इंटरमीडियरी सेक्टर. इंटरमीडियरी सेक्टर में इंटरमीडियरीज मतलब जो बोरोअर और लेंडर के को मीट एक दूसरे से करवाते हैं वो इंक्लूड होते हैं. और इंटरमीडियरीज में जो इंक्लूड होती हैं पार्टीज, वो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, जॉबर्स एक्सेट्रा होते हैं. ये फैसिलिटेट करते हैं कि फंड का फ्लो हो लेंडर से बोरोअर के बीच में. तो मेन जो इंटरमीडियरीज हैं वो पहला जो है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरी है. यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो लेंडर और बोरोअर हैं, जिसकी वजह से मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं. तो ये डील करता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट और गिल्टेड सिक्योरिटीज में. स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन करता है जो भी गाइडलाइंस सभी देती है उसके अकॉर्डिंग. देन स्टॉक ब्रोकर्स, ये मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, बाय सेल और डील करते हैं सिक्योरिटीज में ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट. ये आगे हेल्प ले सकते हैं सब ब्रोकर्स की. देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्ट मार्केट. इम्पोर्टेंस क्या है डेप्ट मार्केट की? पहला, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. जो डेप्ट मार्केट है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट यूनिट्स को इन रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट. गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर सकती है जिसके लिए भी उसे पैसा चाहिए वेरियस डेवलपमेंटल प्लान्स के लिए. देन आता है हमारा हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में. किस तरीके से हेल्प करते हैं? जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं आरबीआई के पास, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, यहाँ पे परचेज एंड सेल होता है सिक्योरिटीज का आरबीआई के थ्रू. और ये जो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जिस सिक्योरिटीज की बात हम बात कर रहे हैं वो डेप्ट सिक्योरिटीज ही होती हैं, जो गवर्नमेंट की डेप्ट सिक्योरिटीज होती हैं. और उसके थ्रू अवेलेबल एडिक्वेट अवेलेबिलिटी क्रेडिट की मेंटेन करती है इकोनॉमी में आरबीआई.
नेक्स्ट है आपका इन्हांसिस लिक्विडिटी। डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, और इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप ट्रेड कर सकते हो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में। इवन जो बैंक्स हैं वो भी जो ट्रेजरी बिल्स हैं जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो आपकी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो है वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है वो इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई कर सके। डाइवर्सीफाई इन द सेंस कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर सके। देन आता है आपका लेस रिस्की इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट। इन्वेस्टमेंट अगर आप डेब्ट मार्केट में करते हो तो वो लेस रिस्की होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। रीजन बीइंग कि जो डेब्ट है उसमें आपका प्रिंसिपल भी सेफ रहता है, प्लस इंटरेस्ट भी सेफ होता है, और इंटरेस्ट इनकम जो है आपको आफ्टर एवरी सिक्स मंथ आपको इंटरेस्ट पे होना ही होना है। देन नेक्स्ट इज योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डेब्ट मार्केट को रेगुलेट करता है RBI एंड सेबी, तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है डेब्ट मार्केट में इम्प्लीमेंट होती है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है उन ऑपरेशंस में जो डेब्ट मार्केट में हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट या गिल्टेड सिक्योरिटीज मार्केट जिसे हम कहते हैं, या पब्लिक सेक्टर यूनिट सिक्योरिटी मार्केट भी से आप कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम किसे कह रहे हैं? जो भी मार्केटेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल है चाहे स्टेट है, उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, जैसे हमने पहले बात की थी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो है, उसके अलावा और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, बॉन्ड्स जो इशू करते हैं पोर्ट ट्रस्ट या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे NTPC, NHAI, REC एक्सेट्रा जो इशू करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गिल्ट एज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के? जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंडिया की। तो सबसे पहला है सप्लाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट में अराइज होती है, उसका रीजन क्या है, इशू कौन करता है उसको? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं RBI जो है वो हेल्ड करके रखती है अपने पास उन सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करने के लिए ओपन मार्केट में, ताकि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसे कंट्रोल कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। जो सिक्योरिटीज इशू होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटीज हैं तो वो कम्प्लीटली सेफ होती हैं। नेक्स्ट इज गिल्टेड सिक्योरिटीज जो हैं उनके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है जो जनरली लोअर होता है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज होती हैं वो जनरली इन द डिनोमिनेशन ऑफ 100 और 1000 रुपीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है। इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है वो हाफ ईयरली पेबल होता है, और सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आपके जो इनकम है वो एग्जम्प्ट भी होती है इनकम टैक्स से। जो RBI है वो डील करती है इन सिक्योरिटीज में थ्रू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स जो जिन्हें वो अप्रूव करती है। लिक्विडिटी जो है सिक्योरिटीज़ की डिफरेंट अथॉरिटीज जो इशू कर रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उनकी डिफर करती है। देन नेक्स्ट इज योर RBI जो है वो ऑलवेज रेडी रहती है अगर जब वो सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो, अगर पब्लिक ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसे RBI बाय करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो आपको अंडरराइटिंग की जो सर्विसेज है उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज योर मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल्स, ये हम ऑलरेडी हम पीछे अपने फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं तो हम इसे यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से आते हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, स्पेशल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स विद कॉल एंड पुट ऑप्शंस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एंड स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिसे हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में अंडर द हेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? एक एक्नॉलेजमेंट कि लोन लिया है कंपनी ने पब्लिक से, और जो डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है एक स्पेसिफिक रेट से।
अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट जो डिबेंचर्स हैं उसमें डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और कोई भी अदर सिक्योरिटी कंपनी की चाहे वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट उसे इंक्लूड किया जाता है. करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिबेंचर्स की? डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है इस चीज़ का कि कंपनी ने डेप्ट लिया है. डिबेंचर को इशू किया जाता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी. इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम जो एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको रीपे करना होता है. डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसकी डिबेंचर पे वो पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड होता है और जो पेमेंट है इंटरेस्ट की नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वो की जाती है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो. जो डिबेंचर होल्डर होता है वो जनरली सिक्योर्ड होता है. उसे चार्ज दिया जाता है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी का मतलब है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स का पैसा या इंटरेस्ट आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने वापस नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि जिस भी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, चार्ज मतलब जिस भी एसेट को आपने एज अ सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर को दिया है वो उस एसेट को बेचकर जो भी उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो उसे रिकवर कर सकता है. जो फंड्स आप रेज करते हो बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. डिफरेंट टाइप्स है डिबेंचर्स के. पहला है आपका सिक्योर डिबेंचर्स. सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें आप किसी पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ द कंपनी से सिक्योर कर रहे हो और उसी को हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं. और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है तो उसे फिक्स्ड चार्ज कहा जाएगा और अगर आपने ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है तो उसे फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी गिवन नहीं होती. वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह होते हैं. देन नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका जो नेम और एड्रेस है कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड होता है. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होता है उसमें उनका नेम्स रिकॉर्डेड होता है. देन बेयरर डिबेंचर्स वो होते हैं जो उसकी पेमेंट है वो उनको की जाएगी जो भी डिबेंचर का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेगा. देन है आपका रेडीमेबल डिबेंचर्स. रेडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी ने रीपे करने होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जबकि इररेडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जो होते हैं वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी रीपेबल नहीं होते लेकिन इन डिबेंचर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आपको रीपे करना पड़ता है. इंडिया में इररेडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं किए जाते हैं. नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिनको राइट दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी सिक्योरिटी में. वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं या कोई और दूसरी सिक्योरिटी भी हो सकती है. अगर फुल अमाउंट डिबेंचर्स की कन्वर्ट करने का आप ऑप्शन दे रहे हैं तो उसे फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहा जाएगा. अगर आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट जो है पूरे अमाउंट का उसे कन्वर्ट करना है तो उसे पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहा जाएगा. और अगर आप कोई ऑप्शन आप नहीं दे रहे हैं तो उन्हें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहा जाएगा. देन नेक्स्ट है जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स. वो डिबेंचर्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती. इन्हें इनकम एक तरीके से किस तरीके से होती है कि जब कंपनी इन डिबेंचर्स को इशू करती है तो वो एट अ डिस्काउंट करती है लेकिन जब उसे रीपे करेगी आफ्टर अ पीरियड तो वो फेस वैल्यू पे करेगी तो उसे जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स कहा जाता है. नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पेपर्स. ये जो कमर्शियल पेपर्स हैं अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. ये जो इशू होते हैं वो कंपनीज कर सकती हैं जिनकी जो नेटवर्थ है एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीस है. और जो मेन गाइडलाइंस हैं इसके रिगार्डिंग वो क्या है कि जो एक कमर्शियल पेपर जिसे हम CP कहते हैं वो इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट. और हेल्ड कमर्शियल पेपर्स के लिए जो मेन गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं कि जो एक कमर्शियल पेपर है वो इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और इसे हेल्ड आप कर सकते हो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में थ्रू एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज जो अप्रूव्ड हो और रजिस्टर्ड हो विद सेबी. नेक्स्ट जो है दैट इज जो एक CP होगा वो इशूड होगा इन अ मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख रुपीज और मल्टीपल्स देयर ऑफ. जो CP है वो इशू होता है एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू. अंडर राइटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है
ऑप्शंस जो हैं वो इसके ऊपर परमिटेड नहीं हैं। जो एलिजिबल इश्यूअर्स हैं ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर 1000 करोड़ रुपीज़ और मोर अगर वो इशू कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो रजिस्टर्ड होंगी सेबी से। देन जो बायबैक है सीपीज का इन फुल और इन पार्ट वो होता है हमेशा प्रिवेलिंग प्राइस पर। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।